आप हमें रोकना चाहते हैं, हमें रोक दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आरएसएस की ओर से इस आंदोलन को हर तरीके से बदनाम करने का और डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। तीन कृषि कानूनों को लेकर करीब 8 महीनों से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर धरना दे रहे हैं। कुंडली बॉर्डर पर भी यही हाल है, जिसका वहां के स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। अब स्थानीय लोगों ने एक तरफ का रास्ता खोलने के लिए सड़कों पर उतरने का फैसला किया है, जिसके तहत सोनीपत की राजीव गांधी एजुकेशन सिटी से ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे की तरफ पैदल मार्च शुरू किया। किसानों की तरफ से ग्रामीणों को बढ़ता देख पुलिस ने 100 मीटर बाद ही ग्रामीणों का रास्ता रोक लिया और सरकार तक बातचीत पहुंचाने का आश्वासन दे दिया। ये कहना चाह रहा हूं, जो भी किसान मोर्चे के हैं, इनकी अगर डिमांड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, दिल्ली सरकार से करो ना, ये दिल्ली में जाके करो, हमारी एरिया क्यों क्यों बर्बाद करने पर तुले हैं ये लोग। रामलीला ग्राउंड में जाओ, जंतर मंतर में जाओ, यहाँ 8 महीने हो गए, 8 महीने में 80% आदमी बेरोजगार हो चुके हैं और ये हम कब तक रहेंगे यहाँ। पहले भी हम बता चुके हैं, ये इस एरिया का आदमी ठंडा जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। हम ना अंग्रेजों से डरे, ना मुसलमानों से डरे, हमारे बड़े काले पानी भी गए हैं, हमारे में भी वही खून है। अगर ये रास्ता नहीं खोल लेंगे ना तो हम टकराव के लिए बिल्कुल तैयार है। ये आश्वासन दिया गया कि भाई हम प्रदेश सरकार से इस बारे में बातचीत करेंगे और पॉजिटिव उसका कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकालेंगे, पूरी तरीके से उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। नल साहब, एक गांव का रास्ता रोकने की भी आप बात कह रहे थे मन से कि हम गांव का रास्ता रोक देंगे, जो एक तरफ का रास्ता नहीं खुला, उस बात को लेकर कितना आश्वस्त हो कि ग्रामीण रास्ता रोकेंगे? भाई साहब देखिए, एक तो सबसे पहली बात, हम वैधानिक चलना चाहते हैं, आज भी हमने अपनी यात्रा वैधानिक करी है, परंतु मजबूरी में लास्ट ऑप्शन के तौर पर हम यहाँ पे किसान जो है ना सारे मिल के शामिल है सड़कों पर उतरे, तो अगर सरकार सुनवाई नहीं करती तो रास्ता ही क्या बचता है, या तो आदमी आत्मदाह कर ले और क्या करे। 8 महीने से नेशनल हाईवे जाम है, लोग गांव के रास्तों का इस्तेमाल कर अपना काम चला रहे हैं, जो ज्यादा समय लेता है, साथ ही इससे गांव के लोगों का जीवन भी प्रभावित होता है। दोनों तरफ से जाम होने की वजह से इन इलाकों में काम धंधे लगातार बंद होते जा रहे हैं और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उधर इस संबंध में किसानों का कहना है कि ये लोग बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, जो आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लंबे समय से बीजेपी और आरएसएस की ओर से इस आंदोलन को हर तरीके से बदनाम करने का और डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है, जो लगातार जारी है। तो आज उनका पिछले कुछ दिनों से एक पोस्टर जारी हुआ, उन्होंने ये कहा कि हम इस प्रदर्शन की जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, उन लोगों को ये नहीं पता कि बीजेपी के मुख्यमंत्री का तो लोगों ने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, तो वहाँ यहाँ जितने जहाँ पे इतने सारे आंदोलनकारी बैठे हों वहाँ पे घुसने का ऐलान करना अपने आप हिंसा फैलाने की एक षड्यंत्र प्रयास नजर आ रहा है। इससे गांव के लोग नहीं है जो पीछे इकट्ठे हुए हैं, वो बीजेपी आरएसएस के एजेंट हैं और आसपास के गांव के लोग तो यहां पे आ रखे हैं समर्थन देने के लिए। देखिए कितने गांव से वो खड़े हैं, कम से कम 20 गांव के लोग खड़े हैं। ये आगे ये भी हमारे साथी हैं, यहाँ पे जो दैया खाप है, दैया खाप के गाँव में से आए हुए हैं। तो आम आदमी की भावना, लोकल आदमियों की भावना तो इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। ये तो चंद मुट्ठी पर 10-20 आदमी हैं जो बीजेपी आरएसएस वालों से जुड़े हुए हैं, उनसे पैसा लेते हैं, वो यहाँ पे डिस्टर्ब करने का प्रयास पिछले 3 महीने से कर रहे हैं। हमारी जो यहाँ तैयारी है वो ये है कि हम सारे आदमी हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, अगर वो यहाँ तक पहुँचते हैं तो उन चंद मुट्ठी पर लोगों को यहीं पर रोक दिया जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से। बहरहाल पुलिस एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के साथ दोबारा बातचीत करने के लिए तैयार है और सरकार को इस बाबत सूचना दी जाएगी। फिलहाल ग्रामीणों ने किसान मोर्चा और जिला प्रशासन को एक हफ्ते का समय दिया है और चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम ग्रामीण क्षेत्रों के रास्ते रोक देंगे। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।